Hi guys, welcome to the third episode of the top 5 most haunted places of India. And आज episode number 3 है, मतलब आज हम बात करने वाले about the third most haunted place of India. तो अंत तक बने रहिए. मेरी जो लाइफ की सबसे पहली हॉरर स्टोरी थी, सबसे फर्स्ट जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, वो इसी टॉपिक के ऊपर थी, बेगुन गुदार रेलवे स्टेशन. एंड गाइस, वो इतनी वायरल हुई थी, मतलब आज भी उस पर कुछ 1 करोड़ 10 लाख व्यूज हैं, मतलब कुछ 11 मिलियन के आसपास. वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी इसलिए नहीं क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे फेमस था, सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स थे, बट फिर भी वो वायरल इसलिए हुई क्योंकि इस कहानी में इतना वजन था. ये कहानी इतनी ज़्यादा दिल को टहला देने वाली थी, बहुत खौफनाक. गाइस, बताया जाता है कि बेगुन गुदार के आसपास से जो भी ट्रेन ड्राइवर्स निकलते हैं आधी रात को, वो लोग ये स्टेशन आने से पहले ही अपनी स्पीड को एकदम हाई कर देते हैं, एकदम तेजी से निकालते स्टेशन के पास से, क्योंकि उन्हें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है यहां पे कुछ ऐसी खौफनाक चीज है, एक ऐसी खौफनाक चीज जिनका सामना इनसे ना ही हो तो बेहतर है. यहां तक के ट्रेन ड्राइवर्स ही नहीं, अंदर बैठे पैसेंजर्स भी, जो भी यहां से आधी रात को निकलते हैं ट्रेन से, ये स्टेशन आने से पहले ही अंदर अनाउंस कर देते हैं कि अपनी ट्रेन की खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए क्योंकि बेगुन गुदार रेलवे स्टेशन आने वाला है. गाइस, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बेगुन गुदार रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के बीच का ही कहीं का एक रेलवे स्टेशन है, जो कि साल 1960 में बंद कर दिया गया था स्ट्रिक्टली, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना ये था, सालों से ये कंप्लेंट रहती थी कि ये जगह हॉन्टेड है. जो यहाँ पे काम करते थे वो तक ये कहते थे कि हम रात को यहाँ पे अकेले रहते हैं लेकिन फिर भी हमें अकेला महसूस नहीं होता है. लोगों का कहना ये रहता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ है उसे इंसान सिर्फ एक बार देख सकता है, अगली बार के लिए वो आपको ज़िंदा छोड़ेगी ही नहीं. जो भी होता है वो वहाँ से भाग जाता है, हमेशा भाग जाता है. एंड ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, लोग ही नहीं कह रहे हैं, विकिपीडिया में भी यही लिखा है कि ये रेलवे स्टेशन पिछले 42 साल से बंद था, 42 इयर्स तक. आज की ये कहानी होने वाली है एक स्टेशन मास्टर की, जो कि बेगुन गुदार रेलवे स्टेशन में आया था. एंड ये पूरी कहानी इसी के अराउंड होगी. इसी स्टेशन मास्टर, जिनका नाम था मोहन, उनके साथ इस स्टेशन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस पूरी जगह को बना देती है इस देश का थर्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस. अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को. अब ये कहानी शुरू होती है. गाइस, ये कहानी शुरू होती है साल 1960 में, जब बेगुन गुदार रेलवे स्टेशन एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन हुआ करता था, किसी और रेलवे स्टेशन की तरह. एंड हर चीज नॉर्मल थी, लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़ के, एक ही डिफरेंस था यहाँ पे, वो ये था कि ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा खाली हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा सुनसान, यहाँ पे कोई नहीं आया करता था, एक बहुत ही रिमोट प्लेस पे बना था, क्योंकि बहुत ही सन्नाटा हुआ करता था. फिर एक दिन एक रेलवे मास्टर का यहाँ पे तबादला हुआ, ट्रांसफर, उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के बीच के एक रेलवे स्टेशन बेगुन गुदार में. इस स्टेशन मास्टर का नाम था मोहन. एंड ये इस ड्यूटी पे अकेला नहीं आया था यहाँ पे वेस्ट बंगाल की तरफ, ये आया था अपनी फैमिली के साथ, उसकी एक बीवी थी, उसके साथ आया था. एंड ये उस रेलवे स्टेशन को लग के ही एक रेलवे क्वार्टर हुआ करता था, ये वहीं पे रहता था. बस दिक्कत ये थी कि उत्तर प्रदेश में वो जिस ड्यूटी पे था वो एक डे ड्यूटी थी, एंड बेगुन गुदार पे उसको लग गई नाइट ड्यूटी. उसको आदत नहीं थी ये सब की. एंड उसको अपने घर से आधी रात को 9 बजे निकलना पड़ता था यहाँ पे आने के लिए. इसका काम बहुत सिंपल सा था कि जो ट्रेन आती है उसको मॉनिटर करना है, साफ सफाई देखनी है कि जो झाड़ू पोछा मारने वाले रहते हैं वो लोग अपना काम सही से कर रहे कि नहीं, एम्प्लॉय सही से काम कर रहे कि नहीं, बस. लेकिन आधी रात में ज़्यादा कोई एम्प्लॉयज होते नहीं थे, सिर्फ एक दो, दैट्स इट. गाइस, ये पहला दिन था मोहन की नाइट ड्यूटी का. वो 9 बजे शार्प आ गया था इस स्टेशन पे. एंड वो देख रहा था कि डे ड्यूटी वाले जो भी थे वो सब लोग निकल चुके थे, एंड इस स्टेशन पे बस एक ही बंदा था
जो उसके साथ था। मतलब पूरे रेलवे स्टेशन पे रात में सिर्फ दो लोग ही रहने वाले थे। एंड ये उसका ऑफिस वाले में कैसा था, एकदम रेल की पटरी के एकदम बाजू में ही था। मतलब वो आसानी से प्लेटफॉर्म देख सकता था, पूरी नजर रख सकता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो अपना काम कर ही रहा था एंड रात के कुछ 12 बजे की अभी एक ट्रेन आने वाली थी एंड वो बस उठ के बाहर जाने ही वाला था कुछ समय में। वो बाहर गया, ट्रेन के ड्राइवर से कुछ उसको बात करनी थी उसने किया, वो वापस आके बैठ गया एंड वो ट्रेन बस निकलने ही वाली थी तभी उसने देखा कि एक औरत उस ट्रेन के पीछे भाग रही है जैसे कि उसकी ट्रेन छूट रही है। एंड वाकई में उसकी ट्रेन छूट ही रही थी। एंड मोहन अपने ऑफिस में बैठ के ये सारी चीजें देख रहा था, फिर उसने चिल्ला के कहा कि मैम कुछ एक घंटे में एक और एक ट्रेन आने वाली है, आप इंतजार कर लीजिए। लेकिन शायद से उस औरत ने मोहन की बातें सुनी नहीं एंड वो वहां से चले गई। फिर मोहन हर रात को ये चीज देखने लग गया था कि एक औरत आती है एंड ट्रेन के पीछे बस भागती रहती है एंड हर बार उसकी ट्रेन छूट जाती है। एंड ये सारी चीजें सिर्फ 12:10 बजे वाली ट्रेन के साथ ही होता था, लेकिन कैसे। एंड वो धीरे धीरे ये भी नोटिस करने लग गया था ये जो औरत है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये ट्रेन के पीछे ऐसे भागती है जैसे कि एकदम ट्रेन के स्पीड को मैच करते ही ये भाग रही है, बट ये सारी चीजें कैसे, एंड हर रात को उसकी ट्रेन छूट रही है, ये मामला क्या है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले ही सुबह मोहन जो सुबह के टाइम का जो स्टेशन मास्टर था वो उसके पास गया एंड उसको जाके कंप्लेन करी कि सर हर रात को यहाँ पे एक औरत आती है 12:10 की जब ट्रेन होती है तब हर रात को उसकी ट्रेन मिस हो जाती है, ये पिछले एक हफ्ते से हो रहा है लगातार। इन औरत बहुत ज़्यादा तेज भागती है, बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं है, ये बहुत अलग है, प्लीज़ आप कुछ करिए, क्योंकि जब भी ये अपने घर पे वापस लौटती है या जहाँ पे भी जाती है निकलने से पहले ये अक्सर मेरे कैबिन के विंडो पे आके खड़ी होती है एंड आके मुझे एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाली नज़रों के साथ देखती है। इसकी आंखों में मुझे खून दिखता है, मुझे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खौफ होने लग गया है इस स्टेशन से, प्लीज़ कुछ करिए। फिर उस स्टेशन मास्टर एंड जो बाकी एम्प्लॉयज़ थे वो लोग बस मोहन का मजाक उड़ाने लग गए थे कि ऐसा ये सब कुछ क्या देख रहा है यार तू, कोई एक औरत एक ट्रेन की स्पीड को मैच करके कैसे भाग सकती है, किसी एक औरत की आंखों से खून कैसे निकल सकता है और वो ज़िंदा कैसे हो सकती है, कुछ भी प्लीज़ मत बोल हमें, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ बस तेरा एक वहम है। लेकिन उन एम्प्लॉयज़ में से एक और एक बंदा था जो कि मोहन का बहुत अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम था राजा एंड वो मोहन को थोड़ी सी तसल्ली दे रहा था कि भाई भगवान का नाम ले सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा शांत रहकर रिलैक्स रहे, एक काम करता हूँ आज रात को मैं आता हूँ, आज रात को मैं लेट तक रुकता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि ये औरत है कौन, ठीक है। फिर राजा का काम ख़त्म होने के बाद राजा वहीं पे रेलवे स्टेशन पे रुका रहा उसके कैबिन पे एंड वो वेट करता रहा कि अभी आएगा मोहन अभी आएगा, लेकिन वो आया नहीं। रात के अभी कुछ 12 बजने वाले थे एंड उसने बोला था कि अक्सर रात को 12:10 की ट्रेन के साथ ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन राजा ने कुछ भी नहीं देखा। फिर उसने बोला शायद से मोहन की तबीयत हो सकती है, ख़राब हो सकती है शायद, मैं जाके देख के आता हूँ। फिर राजा गया मोहन के घर पे क्योंकि वो एकदम पास में था, एकदम लग के उसको ज़्यादा चलने की भी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे गया, उसके घर के पास पहुँचा, उसे देखा कि मोहन और उसकी बीवी उसके घर के दरवाजे के ठीक सामने मरे हुए थे। राजा ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि इसने कहा था कि 12:10 के अराउंड कोई तो औरत आती है लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा एंड मैं अभी इसके घर पे आया हूं तो ये और उसकी पत्नी मर चुके हैं, ये कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो हुआ है एंड ये सब का लिंक उसी औरत के साथ है शायद से। एंड जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उस समय पता चला कि मोहन और उसकी पत्नी ने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिससे वो शॉक हो गए और शॉक के कारण उनकी दिल की धड़कनें रुक गई, उन्हें हार्ट अटैक आ गया एक साथ। इस हादसे के बाद
वहाँ पे जितने भी रेलवे स्टेशन मास्टर आ रहे थे वो सब लोग महज बस 3-4 दिनों के अंदर ही अपने परिवार वालों को लेके यहाँ से भाग जाते थे, ना ट्रांसफर अपील करते थे ना रिजाइन करते थे, बस यहाँ से भाग जाते थे। एंड ये बैक टू बैक हो रहा था। एंड जो राजा था वहाँ का एम्प्लॉय, जो मोहन का दोस्त था, एंड राजा और जितने भी इम्प्लॉयज़ थे जो कि डे ड्यूटी करते थे, उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट अपील पे डाल दिया था कि हमें प्लीज़ ट्रांसफ़र दे दीजिए, हमें यहाँ पे काम नहीं करना है। एंड देखते ही देखते बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन पूरा खाली हो गया। यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना चाहता था, कोई भी इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। लेकिन सवाल आता है, क्यों ऐसा यहाँ पे था? क्या क्या है इसकी पूरी कहानी? जो बेगुनकुदार में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि ये जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे एक कहानी है, एक माँ की कहानी है। एक औरत रहा करती थी उस रेलवे स्टेशन के पास में। वो औरत अकेली रहा करती थी उसके घर में। उसका जो पति था वो कई सालों पहले आर्मी में मर गया था एक जंग के दौरान। एंड उसकी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी। लोगों के घर पर झाड़ू पोछा मारती थी एंड उससे वो कमाती थी। एंड उसके ज़िंदगी में सिर्फ एक ही खुशी थी एंड वो था उसका बेटा। कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, उसकी माँ से दूर रहता था। लेकिन एक दिन उसकी चिट्ठी आई थी कि माँ मैं आने वाला हूँ इस तारीख को, तो आ जाना मुझे लेने। तो उसकी माँ एकदम हंसी खुशी गई रेलवे स्टेशन में, बहुत सारे तोहफे लेके उसके बेटे के लिए कि अभी एक साल बाद आके मिल रहा है मुझे। वो पहुँची स्टेशन में, ट्रेन आ गई, 12:10 की ट्रेन थी, वो ट्रेन आ गई। एंड उसने देखा कि उसका लड़का बाहर नहीं आया, ट्रेन निकल पड़ी। वो ट्रेन के अंदर चले गई कि शायद से वो बाहर नहीं निकला हो। वो अंदर की हर जगह पे उसने पूछताछ किया लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक पैसेंजर ने उसको पूछा कि आपके बेटे का नाम करण था? उसने बोला हाँ मेरे बेटे का नाम करण था। तो उसने बोला करण नाम का लड़का 3-4 स्टेशन पहले ही यहाँ से ट्रेन से फिसल के मर गया। उसकी माँ शॉक हो गई, लेकिन दिव्या ये सारी चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अभी मर चुका है। उसको ऐसा लग रहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो शायद से किसी और ट्रेन से आता होगा, ये वाली ट्रेन उसकी मिस हो गई होगी, ये वो कारण नहीं हो सकता। वो हर रात को आती रही वही सारी खौफों को, मिठाई के डब्बे ले लेके कि आ जाएगा उसका बेटा, आ जाएगा उसका बेटा, लेकिन बदले में उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता था। हर एक ट्रेन के पैसेंजर से भाग भाग के वो ये सवाल पूछती थी कि क्या कोई करण नाम का लड़का है क्या यहाँ पे, क्या कोई करण नाम का लड़का है आपके आसपास? लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता था। एंड एक दिन हार मान के उसने कहा कि शायद से मेरा बेटा मर चुका है, तो अभी मेरा इस दुनिया में क्या है? कुछ नहीं है। तो वो उसी 12:10 की ट्रेन के पटरी पे लेट के अपनी जान दे दी। ये जो घटनाएं थी ये 1958 के अराउंड हुई थी एंड तब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि ये एक ऐसी घटना हुई है यहाँ पे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन 1958 के बाद 2 साल के लिए 12:10 की जो ट्रेन थी उसे बंद कर दिया गया था, तो इतना कुछ पता नहीं चलता था। रात को कोई ट्रेन आती जाती नहीं थी बेगुनकुदार में। लेकिन साल 1960 में जब मोहन आया था यहाँ पे वो रेलवे मास्टर, तभी 12:10 की ट्रेन वापस से शुरू हुई थी एंड तभी लोगों को पता लगना चालू हुआ कि 1958 में जो हादसा हुआ था उस माँ के साथ, वो माँ अभी वापस लौट आई है। बस अभी वो किसी इंसान के रूप में नहीं है, एक आत्मा के रूप में है जो यहाँ पे हर रात को आके भटकती है। साल 1960 के अराउंड इन्हीं हॉन्टेड एंड हॉरर स्टोरीज के वजह से ये बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। एंड ये सीधा 2009 में खुला था, मतलब 42 years, 42 साल तक एक रेलवे स्टेशन बंद था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो हॉन्टेड था कि वहां पे आत्माएं भटकती है। 1960s से लेके 2009 के बीच में बहुत बार कोशिश करी गई थी कि बेगुनकुदार को वापस से हम खोलते हैं, लेकिन हमेशा लोग नाकामयाब रहते थे। जब भी खोलते थे यही सारी चीज़ें वापस होने लगती थी। वापस यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए मंजूरी नहीं देता था, हमें यहाँ पे काम नहीं करना है, हमें ट्रांसफ़र दे दो, हर किसी का यही कहना था। लेकिन आज बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन वापस से ओपन हो चुका है, ट्रेनें आती जाती है, लेकिन फिर भी जो रेल यात्री है
जो यहाँ से हर रात को गुजरते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये खौफ तो है कि शायद हो सकता है कि हमारा सामना उसी औरत के साथ हो जाए। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी किसी इंसान की कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा भटकना तो कन्फर्म होता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी अगर कोई भी उसके बीच में आएगा तो। मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन इज द थर्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया बिकॉज यहां पे एक मां की भटकती आत्मा है जो हर रात को इसी उम्मीद में आती है कि आखिरी बार वो अपने लड़के को एक बार देखे, आखिरी बार वो देखे कि वो इस स्टेशन पे आता है। तो मैं भी आपको एक यही राय देना चाहूंगा कि यहाँ पे मत जाइए आधी रात को, यहाँ से ट्रैवल मत कीजिए, लेकिन अगर जाते भी हो तो अपनी खिड़की दरवाजों को बंद कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।